छतरपुर जिले के प्रकाश बमहौरी थाना क्षेत्र के ग्राम भुइयारानी का पुरवा के ग्रामीण इन दोनों गांव के समीप संचालित पत्थर खदान में की जा रही ब्लास्टिंग से परेशान है। पिछले दिनों नायब तहसीलदार गौरीहार ने ब्लास्टिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन पुलिस तहसीलदार के आदेश का पालन नहीं करवा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए नायब तहसीलदार जुझारनगर द्वारा दिए गए स्थगन आदेश का पालन प्रकाश बमहौरी थाना पुलिस से कराने की मांग की है। ग्रामीण भूपेंद्र ने बताया कि प्रकाश बमहौरी के खसरा नंबर 274 रकबा 4.533 हेक्टेयर में से 1000 हेक्टेयर की पत्थर लीज सावित्री पत्नी अशोक सचान निवासी घाटमपुर हाल निवास प्रकाश बमहौरी के नाम स्वीकृत की गई है। संचालक सावित्री देवी द्वारा पत्थर निकालने के लिए की जा रही ब्लास्टिंग के पत्थर भुइयारानी का पुरवा के घरों के साथ साथ खेतों चंदेली मंदिर और तालाब में गिरते हैं। इसके अलावा ब्लास्टिंग से जन एवं पशु हानि का खतरा भी हो रहा है। पूर्व में भी ब्लास्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार गौरीहार से आग्रह किया था, जिस पर तहसीलदार ने 19 अप्रैल 2024 को ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि थाना प्रभारी प्रकाश बमहौरी द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और सावित्री तथा उनके पति अशोक निरंतर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर तहसीलदार के आदेश का पालन कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। कहाँ के हैं आप? हम ग्राम भुइयारानी के पुरवा के हैं। कौन सा थाना लगता है? प्रकाश बमहौरी थाना लगता है। किस तरह का आज आवेदन दिया है, क्या परेशानी? हमारे कप्तान साहब के यहाँ आए थे आज आवेदन देने, जो कि 274 नंबर गाटा संख्या में अवैध खनन हो रहा, जहाँ उसका सीमांकन हुआ था वहाँ खनन न करके और दूसरी जगह खनन कर रहे हैं। जो हमारा खेत बगल से लगा हुआ है, जैसे गाटा संख्या 2 से भारी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिसमें से पत्थर आ रहा है, जिसमें रोकने पर वो हमको धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके नुकसान कुछ है नहीं है। जो कि मौके में जाके पटवारी साहब गए और तहसीलदार का आदेश हुआ, स्टे भी हो गया, 19/3 को स्टे हुआ, जिसमें से हमने थाना प्रभारी को आवेदन भी दिया, क्योंकि थाना प्रभारी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, कई बार उनसे कहा भी गया, तो हमको मजबूरन यहाँ पे कप्तान साहब के यहाँ आना पड़ा। क्या चाहते हो, क्यों नहीं जबरन उत्खनन कर रहा? ये अशोक सचान है, घाटमपुर के निवासी हैं, उनका पहाल उनकी पत्नी के नाम है, सावित्री सचान के नाम से, और खनन करवा रहा है शिवसरण के क्रेशर है, जो कि नखलऊ के रहने वाले हैं, पंकज गुप्ता उनका नाम है। क्या आप लोग चाहते? जी मैं सर ये चाहता हूँ कि मैं हमारे नुकसान न होना चाहिए, भारी ब्लास्टिंग जो हो रही है उसमें कंट्रोल होना चाहिए। मैं इसी विषय से मैं कप्तान साहब के यहाँ आ जाया। क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है, कहा गया कि ये हम जांच करवा रहे हैं और दिखवा रहे हैं इसको। क्या